पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो चुका है भाई। इंडियन आर्मी भर्ती का कुछ पता ठिकाना नहीं है, और यूपीएसआई का भर्ती भी आता है, लोग पेपर भी देने जाते हैं और बिना पेपर दिए हुए डायरेक्ट दरोगा में भर्ती हो जाते हैं सिर्फ पैसा देकर, ठीक है ना। तो इसलिए अब आप लोग भी तैयारी करना बंद कर दो, पैसा इकट्ठा करो। अगर आपके पास पैसा रहेगा तो आपका सिलेक्शन होगा, आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इंडियन आर्मी की भर्ती इसलिए नहीं आ रही है ना क्योंकि उसमें दौड़ना होता है, उसमें लोगों के सामने दिखाना होता है, तो उसमें लोग पैसा नहीं ले पाएंगे इसलिए भर्ती नहीं ला रहे हैं सब। अभी देखो यार, इंडियन आर्मी भर्ती के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है और बाकी सारी भर्तियाँ आ रही है। अभी दरोगा का जो भर्ती हुआ है यूपीएसआई का, कुछ लोग ऐसे पकड़े गए हैं ना, अभी तो 7 लोग पकड़े गए हैं। अभी मैं आपको उन लोगों का नाम भी बता रहा हूँ और उन लोगों को दिखा भी रहा हूँ। अभी पता नहीं 7 लोग पकड़े गए हैं, पता नहीं कितना लोग होंगे जो ऐसे कर करके भर्ती हुए होंगे, ऐसे कर करके सिलेक्शन लिए होंगे। देखो जहाँ पर इन लोगों का सेंटर गया था ना, जहाँ पर ये लोग पेपर देने गए थे, उसी सेंटर वाले से बात करके 2 लाख रुपया पहले दिए हैं सब, और जैसे पेपर इन लोगों के जगह पर दूसरा कोई दिया है, और जब इन लोगों का सिलेक्शन हो गया, जब लिस्ट में नाम आ गया है, तो 5 लाख रुपया लिस्ट में नाम आने के बाद दिए हैं सब, तो मिला जुला कर 7 लाख रुपया दिए हैं सब। तो इन लोगों का यूपीएसआई में डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया है और 7 लोग अभी पकड़े गए हैं। अभी ना जाने कितने लोग पड़े होंगे भाई। यही वो लोग हैं जो बिना पेपर दिए हुए यूपीएसआई का परीक्षा पास कर लिए और इन लोगों का लिस्ट में नाम भी आ गया। मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं, इन लोगों का सेंटर कहां पर गया था और ये लोग किसको पैसा दिए थे। देखो भर्ती होने से पहले 2 लाख रुपया दिए थे और जब इन लोगों का लिस्ट में नाम आ गया ना, तब 5 लाख रुपया ये लोग दिए हैं। मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। यहाँ देखो दिया है यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से कराई गई दरोगा की सीधी भर्ती ऑनलाइन परीक्षा में अपनी जगह साल भर बैठाकर पास होने वाले 6 अभ्यर्थियों को शनिवार गिरफ्तार कर लिया गया। महानगर में रिजर्व पुलिस लाइन में शैक्षिक दस्तावेज शारीरिक मापदंड परिशिक्षण में करतूत का पता चला। आरोपी अभ्यर्थियों ने 7-7 लाख रुपए देकर अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को बैठाकर परीक्षा पास की थी। अब आप लोग सोचना भाई हमारे देश में क्या चल रहा है। अभी देखो नीचे लिखा है, इंस्पेक्टर महानगर दिनेश चंद्र मिश्र के मुताबिक शनिवार को डीवी पीएसटी के लिए करीब 300 अभ्यर्थी पुलिस लाइन में पहुंचे थे। दस्तावेज चेकिंग के दौरान मैनपुरी खरगजीत नगर निवासी रजत कुमार, शामली झिझिना निवासी पिंकू कुमार, बुलंदशहर खुर्जा निवासी प्रतीक चौधरी, हरियाणा से ये भाई रहने वाला है, स्वरूप निवासी दीपक, मुजफ्फरनगर से हसीन चौधरी रहने वाला है, और शामली खेड़ा से कुर्तानी रहने वाला है, और इधर दिया है आशुतोष शर्मा पर शक हुआ, उनसे पूछताछ की गई, संगदी अभ्यर्थियों की जानकारी महानगर पुलिस को दे दी गई, जिस पर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। अनुसूचित भर्ती रसीम रानी की तहरीर पर अपराधी साजिश रचने, धोखाधड़ी और सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया। अभी तो इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन देखो ये लोग कहाँ से, मतलब किसको पैसा दिए थे और इन लोगों का सेंटर कहाँ गया था, वो भी यहाँ पर लिखा गया है। आप लोग खुद देखो, यहाँ लिखा गया है ऑनलाइन परीक्षा केंद्र संचालकों ने की थी मदद। जैसे जहाँ पर इन लोगों का पेपर हुआ था ना, जिस सेंटर पर गया था, वही सेंटर वाला इन लोगों का मदद किया था और वही पैसा लिया होगा। जब वो मदद कर रहा है तो वही पैसा लेगा ना। देखो यहाँ लिखा है, अभ्यर्थी रजत कुमार के मुताबिक उसका सेंटर आगरा के कृष्णा इंफोटेक में गया था। परीक्षा पास करने के लिए परिचित की मदद से कृष्णा इंफोटेक के संचालक महेश चंद्रा से संपर्क किया था, जिन्होंने दूसरे व्यक्ति को बैठाकर परीक्षा देने के बदले 7 लाख रुपए मांगे थे, 2 लाख पहले दे दिए थे और 5 लाख परीक्षा में चयनित होने के बाद दिए गए थे, ठीक है ना। अभी इन लोगों का करतूत देखो। इसी तरह आशुतोष शर्मा, हसीन चौधरी, दीपक कुमार और पिंकू कुमार भी महेश चंद्रा को 7-7 लाख रुपए दिए थे। वही प्रतीक चौधरी का सेंटर आगरा के पास इंफोटेक में पड़ा था, उसने भी 5 लाख रुपए देकर ऑनलाइन परीक्षा पास की थी। पता है जब कोई भाई बोलता था ना यार तुम्हारे पास पैसा रहेगा तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर तुम्हारे पास 7-8 लाख रुपया रहेगा ना तो इंडियन आर्मी में भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो हमें विश्वास ही नहीं होता था। हम बोलते थे नहीं यार, अपने मेहनत पर सिलेक्शन होता है, अगर मेहनत किए रहोगे, पेपर निकालोगे, दौड़ निकालोगे तो फिर आपका सिलेक्शन होगा।
अगर मेहनत नहीं किए रहोगे, पैसा दे दोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ बोलते हैं सब, ऐसा होता नहीं है, लेकिन आज ऐसा देखने को भी मिल रहा है। तो ये सिस्टम पूरा का पूरा खराब हो चुका है मेरे भाई। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। देखो, सभी लोगों का, जितने लोग भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, चाहे UPSI की तैयारी करते हैं, चाहे UP पुलिस की तैयारी करते हैं, चाहे SSCGD की तैयारी करते हैं, चाहे आसाम राइफल की तैयारी करते हैं, उन सभी लोगों का ज़िंदगी खतरे में है। क्योंकि वो लोग सभी पुअर फैमिली से रहते हैं, सब लोग गाँव से रहते हैं, और उन लोगों के सीट के जगह जो अमीर लोग रहते हैं ना, जिन लोगों के पास पैसा रहता है, वो लोग लेंगे। तो सभी लोगों की ज़िंदगी खतरे में है, ठीक है ना। अब जो देखने को मिल रहा है ना, आप लोग सोचना यार, हमारा देश कहाँ जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं 7 लाख रुपया तो डायरेक्ट भर्ती करा दूंगा। जब ऐसे ही देखने को मिलता रहेगा तो जिससे 7 लाख रुपया मांगेंगे सब ना, वो किसी ना किसी तरह 7 लाख रुपया इकट्ठा कर लेगा, चाहे खेत बेचना पड़े, चाहे घर बेचना पड़े। उसको इंडियन आर्मी में भर्ती होना है, और वो देख रहा है कि हाँ, जब दरोगा बन जा रहे हैं सब 7-7 लाख रुपया देकर, तो फिर इंडियन आर्मी में भी भर्ती करा सकता है। वो पैसा दे देगा और बाद में पता चलेगा ना कि उसका सारा का सारा पैसा गया। तो भाई, हमारा देश कहाँ जा रहा है, अब आप लोग खुद सोचना, ठीक है ना। ये सब देखने को मिल रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो चुका है, और सब कुछ आप ही लोगों के हाथ में है। ये नहीं सोचना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ आप ही के हाथ में है, ठीक है ना। अगर आप चाहोगे तो किसी को भी सरकार बना सकते हो, अगर आप चाहोगे तो किसी को भी गिरा सकते हो, ठीक है ना। और एक बात और है भाई, जैसे अगर ज़्यादा सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे ना, तो कुछ लोग बोलेंगे कि साला ये विपक्ष पार्टी का है, ये कांग्रेस से है, इससे है, उससे है, हमसे इतने लोग बोलने लगे ना। हम बोले यार, अगर किसी के खिलाफ आवाज़ उठाओ तो मतलब उसके विपक्ष वाले हो, ऐसा बोलने लगते हैं सब। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, जहाँ गलत होगा वहाँ चुप नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। जो सही होगा वो कभी भी दिखाने से हम पीछे नहीं हटेंगे, और जहाँ गलत होगा ना वहाँ भी दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये भ्रम अपने मन में मत डालो, ठीक है ना। आप देखो कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, अगर उसको देखोगे तो सही है, नहीं तो फिर यार ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे। ये सरकार बर्बाद करती रहेगी और हम लोग ऐसे तैयारी करते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। लोग पैसा दे देकर भर्ती हो जाएंगे, हम लोगों का कोई कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं देखेगा।